मैकेनिक, आज हम बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे सामने एक पल्सर बाइक है और उसके लिए हम यानी एक्सपर्ट हैं काम करने में, क्योंकि हम बहुत सारी बाइक नहीं बनाते हैं, ज़्यादातर बजाज की और हीरो की, थोड़ा बहुत होंडा की, इस तरीके से बाइक ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि जिन बाइक के ज़्यादा पार्ट मिलते हैं और जो बाइक आसानी से बन जाए यानी जिसके लिए हमको पार्ट ढूंढना ना पड़े वो बाइक बनाते हैं, जिससे कि ज़्यादा गाड़ी बना पाएँ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो इसलिए मेरे दोस्त, हम एक्सपर्ट इतने एक्सपर्ट हैं फिर भी यानी एक पल्सर बाइक में बैटरी की बार बार प्रॉब्लम आई। देखिए मेरे दोस्त, ये बैटरी है और बैटरी को कम से कम आप समझिए कि 3 बार बैटरी डिस्चार्ज हुई और उसको रिप्लेस कराया गया, और रिप्लेस करने वाले भाई ने भी कहा कि भाई हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बार बार बोलता था कि आपका यानी कॉइल से करंट निकल रहा है, इसके कारण कॉइल प्लेट चक्कराई, रेगुलेटर चक्कराई, चार्जर चक्कराई, ये बोलता था, ठीक है। और उसके बोलने की वजह से हमने क्या किया, ये कॉइल प्लेट है मेरे दोस्त, ये इसकी कॉइल प्लेट देख लीजिए, जो इसका वायर है, अभी हमने दूसरी कॉइल ला करके, कॉइल हमने गए और पुरानी कॉइल इसको ला करके अच्छी सी वो कॉइल लगाए, जिसमें देखिए आप इस तरीके से छोटी वायर है, इसमें जो लंबी वायर है जो कि यहाँ से यानी जो लंबी वायर है तो वो यहाँ जो सीट के पास तक कनेक्शन होता है वहाँ तक, और इसका कनेक्शन यहाँ तक। अब मेरे दोस्त देखिए, इसकी कनेक्शन यानी इसकी वायर जो है खूब लंबी है, ये इसमें लगी थी, ठीक, लेकिन हमने इसमें दूसरी कॉइल लगाया, क्योंकि वो बार बार हमको बोलते थे कि इसमें करंट कम निकलता था, और हमने उनके कहने के अनुसार हमने यही किया, क्योंकि वो इससे पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था कि उसमें बैटरी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम थी, पर क्या मेरे दोस्त, उस बाइक में जो प्रॉब्लम होती थी तो वो जैसे रात दिन में चलाया और खड़ी कर दिया, सुबह चलाया तो बैटरी बिल्कुल लो हो जाती, वो प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस बैटरी में क्या है कि जब ये बैटरी नई मिल गई और फिर वो हफ्ता 10 दिन चली, उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज होने लगती थी, इस तरीके समस्या होती थी। और जब दिन भर चला लेते तो सेल्फ लेने लगता था, एक बार मेरे पास आए, रेस लिया, फिर वो कह दिया भैया सही है, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास चार्जर काम कर रहा, चल रहा, और फिर वो घर ले गए, फिर वो दिक्कत करने, इस तरीके से यानी कई बार इनको आए गए टहलाए, लेकिन वो समस्या बनी रही भैया। लेकिन उस बात को हमने ध्यान में रखते हुए समझा कि क्या प्रॉब्लम। अब आप देखें, इसमें ये वाली लगाया है जो छोटी वायर है, लेकिन इसमें क्या है कि इस वाली कॉइल में जो पहले लगी थी उसमें 13.5 13.60 इस तरह आता था, और इसमें 13.87 के आसपास आया। और हमने एक इलेक्ट्रीशियन भाई हैं जो एक्सपर्ट हैं और वो इस तरीके से जो भी काम होते हैं उनके पास भी ले गए, और हमारी दुकान से 6 किलोमीटर के लगभग दूर होगा, वो हमारी कंपनी में बैठते हैं, उनके पास ले गए, तो उन्होंने बताया कि यानी ये आपके कॉइल प्लेट बिल्कुल बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने चेक कर लिया, पुरानी वाली भी बताया सही है, नई वाली भी सही है, और हमने लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हमने पुरानी नई ही लगा दी, दूसरी लगाया जिसमें ज़्यादा पॉइंट निकल रहा था, तो उसमें फिर हमने बोला, उनको दे दिया गाड़ी, फिर बना बना करके दे दिया, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर आ गई प्रॉब्लम। तो इसमें क्या समस्या आ रही थी मेरे दोस्त, इसमें जो मीटर है, जो डिजिटल मीटर, उसमें डायरेक्ट करंट जाता है सफ़ेद वायर में, जब आप चाबी ऑफ कर देते हैं तब, तो उसके वजह से इसमें एम्पियर में यानी करंट इसकी बैटरी डाउन हो जाती थी। वो कैसे डाउन हो जाती थी वो आपको हम सीरीज में चेक करा के तब दिखाते हैं वो कैसे है। देखिए मेरे दोस्त, ये वाला जो होता है मल्टीमीटर में, सब में कॉमन यानी यहाँ पर होता है, यहाँ लगता है, ठीक, लेकिन जब भी एम्पियर चेक करना होता है तो यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर, ठीक। अब हमने इसको यहाँ लगा दिया, ठीक, यहाँ लगा करके देखिए यहाँ लिखा है 10A max, ठीक, और इसको यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लिखा है 10A यहाँ पर, ठीक, यहाँ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ 00 है, ठीक। उसके साथ साथ अब हम आपको मीटर का कनेक्शन लगा करके, अभी मीटर का कनेक्शन यानी हमने लगा दिया यहाँ पर, फिर आपको चेक कराते हैं, और चाबी यहाँ पर ऑफ है, ठीक है भाई, इसको पकड़ना ज़रा। अब देखें मेरे दोस्त, इसको अगर हम चेक कराएं, भाई इधर मीटर की तरफ दिखाना थोड़ा सा, और इसको सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में यानी एक तरफ इधर एक तरफ उधर, ठीक। देखें मेरे दोस्त, अब ये 4 पॉइंट यानी डिस्चार्ज हो रही बैटरी, समझ रहे हैं आप, 4 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह के डिस्चार्ज हो रहे, और इसके साथ साथ अभी हम इसका कनेक्शन हटा देते हैं मीटर का, ठीक है। अब भैया इसको देखिए, यहाँ पर भी 4 पॉइंट डिस्चार्ज हो रहा, अब हम इसको चाबी ऑफ है और हम इसको ये कनेक्शन हटा देते हैं, फिर से दिखाइए भैया। अब देखिए मेरे दोस्त, एक सीरीज में यानी इस तरीके से चेक किया जाता है, बहुत ही हम एक्सपर्ट नहीं है, किसी न किसी इलेक्ट्रीशियन भाई से हमने थोड़ा बहुत सीखा है, इसलिए देखिए भैया, यहाँ मल्टीमीटर पर दिखाइए भैया, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल 00 है, ठीक है,
तो ये 0-0 ऐसे होना चाहिए क्योंकि वहाँ से चाबी ऑफ हो गई और बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, तब तो ये 0-0 है। लेकिन जब भी यानी बैटरी कहीं पर भी डिस्चार्ज होता है तो आपको यानी इस तरीके से आप चेक कर लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम होता है सिर्फ डिजिटल मीटर, चाहे वो पाइसन प्रो हो, चाहे वो 135 सीसी डिस्कवर हो, और वो चाहे वो पल्सर हो, यानी इस तरीके से तीनों बाइक में ये समस्या आई है और तीनों बाइक में हमने परेशान हुए हैं। इसलिए हमने ये वीडियो बनाना चाहा कि जब भी आप परेशान होते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको क्या करना है, ये सिर्फ मल्टीमीटर का ये जो वायर होता है ये लाल वाला यहाँ लगता है, इसको यहाँ लगाना है और यहाँ से यहाँ 10A पर यहाँ लगाना है और फिर इसको सीरीज में चेक करना है। ठीक, इसमें देखिए जैसे ऐसे चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं अब, देखिए अभी तक मेरे दोस्त ये पूरा देखिए 0-0 दिख रहा, यहाँ देखिए यहाँ लगाए हैं भैया, मीटर में दिखाइए, मीटर में यहाँ से मीटर दिखाइए, बिल्कुल 0-0, यहाँ पर भी दिखाइए, ऊपर दिखाइए, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर वहाँ पर भी, और हम जैसे उसको कनेक्शन लगाते तो वो भी दिखाते एक बार। हाँ मेरे दोस्त देखिए, देखिए मेरे दोस्त, यानी हम जैसे लगाया तैसे ये 4 पॉइंट आने लगे, इधर देख लीजिए और भैया मीटर पास दिखा दीजिए। ठीक है, अब आप समझिए मेरे दोस्त, हम इतने एक्सपर्ट और हम इस तरीके से परेशान हो जाते हैं तो आप सभी लोग क्यों ना परेशान होंगे मेरे दोस्त। और इसके लिए आप समझिए कि कोई अपना, हमारे पास भी बहुत भीड़ होती है काम के लिए, लेकिन फिर भी हम अपना समय निकाल निकाल करके उस मैकेनिक भाई से सीखने के लिए, जो इलेक्ट्रीशियन थे, क्योंकि हम भाई मैकेनिकल जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक बहुत कम जानते हैं, लेकिन उनसे सीखने के लिए हम भी उनके साथ उनके पास दौड़ दौड़ के जाते रहे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए। तो मेरे मित्र, कभी भी आपको यानी चेक करना हो, अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो पैशन प्रो हो, चाहे डिस्कवर 135 सीसी हो या पल्सर हो। तो हमने आपको एम्पियर के द्वारा इसको चेक करना बताया है, और जब कभी भी बैटरी चार्जिंग होती है तो इस तरीके से बैटरी चार्जिंग को भी चेक कर सकते हैं कि इस तरीके चार्ज हो रही कि नहीं हो रही। मेरे पास जो भी जानकारी थी बताना चाहा, वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।